इस बार के हरियाणा चुनाव में दुष्यंत सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी के नायक वाकई में जननायक बन के उभरे हैं। उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है। ऐसे में उनकी माँ उन पर भी सवालशेर साबित हुई हैं। उनकी माँ है नैना सिंह चौटाला, चुनावी मैदान में उतरने वाली चौटाला परिवार की पहली लेडी। निशानेबाज नहीं है इसलिए इस बार उन्होंने दूसरी बार भी निशाना बिल्कुल सही साधा है, जबकि मुकाबले में बंशीलाल के बेटे थे रणवीर सिंह महेंद्रा। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि जहां से वो चुनाव लड़ती हैं, पिछली बार डब्बाली से वो चुनाव लड़ी थी जब उनके पति अजय सिंह चौटाला को जेल जाना पड़ा था, और डब्बाली से चुनाव लड़ी थी और जीत कर आई थी, विधायक बनी थी और 2014 में विधायक बनी। इस बार उन्होंने चरखी दादरी जो नया जिला बना है उसमें वो सीट चली गई है बाठड़ा की, वहाँ से चुनाव लड़ा और वहाँ से उनके सामने मुकाबले में थे रणवीर सिंह महेंद्र। मैं आपको बता दूं कि नैना सिंह चौटाला काफ़ी एक्टिव महिला रही हैं, एनसीसी में थी, इंटर यूनिवर्सिटी निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेती थी, लेकिन शादी के बाद उनका सब कुछ छूट गया था। लेकिन जब उनके पति को जेल जाना पड़ा तो वो एक्टिव हुई, उनकी सीट पर चुनाव लड़ी, खानदानी सीट थी, वहाँ से चुनाव जीत गई। इस बार उन्होंने जो सीट पकड़ी थोड़ी टफ थी और उनके मुकाबले में रणवीर सिंह महेंद्रा थे। रणवीर सिंह महेंद्रा कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम बार केंद्रीय मंत्री रहे बंशी लाल जैसे दिग्गज के बेटे, 1975 में बीसीसीआई से जुड़ गए थे और तमाम सारे क्रिकेट के पदों पर रहते हुए 2004-2005 में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे। बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन एक बार वो 2000 में एनएलओ के ही टिकट पर यहीं से विधायक रह चुके हैं, इसलिए इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया। लेकिन जो वोट मिले हैं रणवीर सिंह महिंद्रा को, 38,898 वोट मिले, पोस्टल वोट 336 और जोड़ दिए जाएँ तो 39,234 वोट मिले, जो वोट परसेंटेज का कुल 29.72% होता है। जबकि नैना सिंह ने जननायक जनता पार्टी के टिकट पर 52,543 वोट, उन्हें ईवीएम से मिला 395 वोट, पोस्टल बैलेट मिला 52,938, यानी कुल वोटों का 40% से भी ज़्यादा वोट लिया नैना सिंह चौटाला ने। और ऐसे में उन्होंने साबित कर दिया कि वो अजय सिंह चौटाला की पत्नी नहीं दुष्यंत चौटाला की माँ भी हैं। और जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने अपने खानदान की पार्टी को, मूल पार्टी को शिकस्त दी है इन चुनावों में, जननायक बन के वाकई में उभरे हैं। भले ही अभी पहला इस तरह का चुनाव है उनका, पहली बार प्रेसिडेंट के तौर पर लड़े हैं, लेकिन उनकी मां ने साबित कर दिया कि वो दुष्यंत की भी मां है। और जिस तरह से उन्होंने चुनावी मैदान में रणवीर सिंह महिंद्रा को एक तरफा शिकस्त दी है वाकई में काबिले तारीफ है। इस तरह की और हरियाणा और महाराष्ट्र की सीटों का हम चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं, अगर आप और सीटों के बारे में जानना चाहें तो लॉग इन करें इन खबर, देखते रहिए इंडिया न्यूज। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।